वेल, आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास एक बहुत ही बड़ा मिस्ट्री बॉक्स है जिसको हम लोग इस वीडियो में अनबॉक्स करने वाले हैं। और रेडगेयर वालों ने मुझे ये मिस्ट्री बॉक्स बहुत पहले भेज रखा था एंड आज के इस वीडियो में आप लोगों के सामने इसका अनबॉक्स करने वाले हैं। बॉक्स नहीं कह सकते इसको, एक्चुअली दिस इज एक्चुअली अ क्रेट, ठीक है। द विनिंग आर्मर्स भाई देखने में यार काफी सही लग रहा है और मिस्ट्री बॉक्स टोटली यहाँ पे वुड का बना हुआ है, दैट इज टोटली अमेजिंग। मुझे भी पता नहीं इस बॉक्स में क्या है, दैट्स व्हाई मैं और ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि इतना बड़ा बॉक्स है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बहुत कुछ निकलने वाला है, तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड मेरे से और वेट नहीं किया जा रहा है। प्लीज यार, ये जो आप डोर देख रहे हो ये एक्चुअली वुडन का बना हुआ है और कितना थिक वुड का यहाँ पे यूज कर रखा है देख सकते हो। इसको मैं प्रॉबेबली इसमें कुछ रख सकता हूँ। ओ माई गॉड, इज दैट अ रेडबुल? भाई मैंने आज तक रेडबुल नहीं पिया है, मेरा जिंदगी का पहला रेडबुल एक्सपीरियंस होने वाला है। सो गाइस लेट्स गो। वाओ, साउंड सुना आपने? बियर जैसा स्मेल आ रही है यार, चलो पी के देखते हैं, ठीक है। कैसा लग रहा है पता है? एप्पल जैसा फील आ रहा है और उसमें ना जब आप कफ सिरप पीते हो जैसा जिस तरीके का टेस्ट आता है उस तरीके का। एक बार और पी के देखता हूँ बट मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई अल्कोहल वगैरह होगा। और यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है भाई? बहुत सारी चीजें मिलता है। ये है रेडगियर का X12 V2। एक्चुअली ये V2 माउस है तो डेफिनेटली इसका एक V1 वर्जन यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो दिस इज द X12 V2। इसमें आपको ऑनबोर्ड मेमोरी 16.8 मिलियन, कलर्स 3325 पिक्सल सेंसर देखने को मिल जाता है, 6 मैक्रो बटन्स, 1000 हर्ट्ज पोलिंग रेट यानी कि 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम, डेफिनेटली मतलब ऑब्वियसली वैड माउस है तो 1 मिलीसेकंड का तो मिलता ही है। बाकी 75 ग्राम, वाओ दिस इज इंटरेस्टिंग। बाकी अगर आप लोगों को किसी भी प्रोडक्ट के इनमें से आपको रिव्यू चाहिए तो मेरे को बता सकते हो, डेफिनेटली मैं करूंगा। सबसे पहले हमें एक स्टिकर मिलता है रेडियर की तरफ से, दिस इज वेरी नाइस। साथ में मिलता है आपको एक यूजर मैनुअल, टेक्निकल स्पेक्स जो भी आप इसको कह लो, पढ़ने का जरूरत नहीं है, हटाओ इसको। ये जो माउस है ना गाइस, मेरे को वेंक्यो का जावी जैसा फील दे रहा है। पीछे का यहाँ पे माउस पीस देख सकते हो, एकदम व्हाइट कलर में दिया हुआ है, पकड़ के देख लेते हैं कि कैसा फील आता है। और डेफिनेटली ये जो केबल है ये ब्रेडेड केबल है रेड कलर में, विच इज वेरी नाइस। और जो यहाँ पे यूएसबी वाला पार्ट है वो थोड़ा सा लंबा दे दिया गया है आयरन में शायद इसको अच्छे तरीके से होल्ड करने के लिए, विच इज वेरी नाइस। तो देखने में यार काफी अच्छा लग रहा है लुक वाइज, बाकी हम लोग इसको बाद में टेस्टिंग करने वाले हैं। बटन्स देख लेते हैं और भाई कंफर्टेबल है माउस, मतलब ऐसे अगर आप गेमिंग करोगे तो भाई कंफर्टेबल है। आपको इस साइड में 2 बटन मिलता है और बटन जो है काफी बड़े बड़े हैं तो आराम से इसको आप जो है अरे कहना क्या चाहते हो? माउस व्हील ठीक ठाक से है, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत टैक्टाइल फीलिंग यहाँ पे भी है, बटन जो है काफी टैक्टाइल है, ऐसे आप आवाज सुन ही सकते हो। तो यार मेरे को यार ये वाला माउस काफी बढ़िया लगा। बाकी इसका प्राइसिंग देखना पड़ेगा कि कितना प्राइस में आता है, और अब तक तो ये माउस डेफिनेटली अवेलेबल भी हो चुका है। सो यार काफी बढ़िया माउस है, बाद में हम उसको अच्छे चेकआउट करने वाले हैं। तो माउस को रखते हैं साइड में और देखते हैं कि बॉक्स में हमको और क्या क्या मिलता है। एक और चीज मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ये, चलो हम लोग इसको पहले निकाल लेते हैं। ये है मोबाइल गेमर्स के लिए एक ईयरफोन, ब्रांड मॉडल नंबर क्या है, कॉस्मो ईयरबड्स सेब 150 या फिर ISO, मे बी प्रॉब्ली 150 होने वाला है। बाकी RGB LEDs यहाँ पे मिलता है, टाइप सी इंटरफेस, ओ माई गॉड। तो ये कोई 3.5 mm वाला नॉर्मल ईयरफोन नहीं है, ये एक्चुअली में टाइप सी ईयरफोन है। डुअल माइक्रोफोन, डिटैचेबल गेमिंग माइक्रोफोन, भाई डिटैचेबल गेमिंग माइक्रोफोन पहली बार देख रहा हूँ यार, चलो फटाफट इसको खोलते हैं। बाकी आपको 2 तरीके का एक्स्ट्रा एयरटिप्स देखने को मिल जाता है, और ये है ईयरफोन और यहाँ पे आपको इसका डिटैचेबल माइक्रोफोन मिल जाता है। दिस इज एक्चुअली प्रोप्राइटरी माइक्रोफोन, यहाँ पर आप देख सकते हो, और इसका क्वालिटी भाई काफी अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत ज्यादा स्टर्डी एंड ड्यूरेबल है। आप इसको कैसे भी तरीके से यहाँ पे बेंड वगैरह कर सकते हो, विच इज रियली नाइस। साथ में आपको एक यूजर मैनुअल मिल जाता है जिसको आप पढ़ सकते हो नहीं पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है, बट ईयरफोन चेकआउट कर लेते हैं फटाफट। सो ये है मेरा Redmi K20 Pro एंड फॉर्चुनेटली इसमें एक टाइप सी पोर्ट है। एंड किसके फोन में टाइप सी नहीं है यार, आप बताओ मेरे को किसके फोन में आज के जमाने में टाइप सी नहीं है? सबके फोन में टाइप सी है। ओ माई गॉड, इज दैट RGB? गाइज RGB ईयरफोन में भी RGB आ चुका है, अब क्या ही बात करो, मतलब क्या ही बताए, RGB इज एवरीवेयर। एंड सच बता तो देखने में यार अच्छा लग रहा है। What? Wow, metal earphones, nice. दोनों जो ईयरबड्स है वो एक्चुअली मेटल का बना हुआ है, नो एक्चुअली पूरा का पूरा जो ईयरपैड्स है वो यहाँ पे मेटल का बना हुआ है दोनों ही ईयरफोन्स। भाई मजा आ गया। तो अगर आप इसको कान में लगाते हो कुछ इस तरीके आपको फील आएगा, फील तो नहीं आएगा वैसे, कंफर्टेबल है। अभी मैं इसको लगा लिया हूँ कान में, ठीक है, एक बार अपने फ़ोन को बाहर निकाल लेता हूँ। ये है आपका इनलाइन कंट्रोलर, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, लाइट ऑन ऑफ, सो अगर आपको लाइट नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ कर सकते हो, एंड अगर आपको लाइट चाहिए तो ऑन कर सकते हो। क्या बात है भाई, लाइट ऑन ऑफ का ही बटन है। आई बीन लूजिंग स्लीप,
Dreaming about it in this week could be. Baby, I've been losing heart. Say no more counting dollars, I'll be counting stars. So I will be counting stars. साउंड क्वालिटी भाई मेरे को लगता है अच्छा है, मतलब जिस प्राइस पॉइंट आई डोंट नो मुझे इसका प्राइस कितना है, बट एज अ गेमिंग ईयरफोन्स का साउंड क्वालिटी अच्छा लगा मेरे को, ठीक है। बाकी इनलाइन कंट्रोलर है इसमें और टाइप से कनेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज टाइप से का कनेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे आपका जो आरजीबी LEDs है वो कैसे चलेगा। बाकी हाँ, एक बार इसका जो माइक्रोफोन है उसको यहाँ पे कनेक्ट करके देख लेते हैं कि कैसा लगता है अगर आप इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हो तो। आज जो जो हमारे इस शुभ अवसर पर यहाँ पे जुड़े हुए हो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल तो यार देखने में काफ़ी सही लग रहा है, एंड जो ईयरफोन है अगर आप इसका इंटरनल माइक्रोफोन यूज़ करना चाहते हो यू कैन डू दैट, एंड इसमें आपको एक्सटर्नल माइक्रोफोन भी मिलता है जिसको आप ऐसे निकाल भी सकते हो, विच इज़ रियली नाइस। डब्बे मेरे को एक और बड़ा सा डब्बा दिख रहा है, डब्बे में ओ हो, ये है हमारा कॉस्मो स्पेक्ट्रा या फिर स्पेक्ट्रस कुछ भी आप इसको कह सकते हो। एडजस्टेबल हेडबैंड, 7 कलर LED, 40mm ड्राइवर्स, ऑल 3.5mm प्लेटफॉर्म्स। वाओ, ये एक 3.5mm हेडफोन है, लेट्स चेक इट आउट। बराबर इसका भी हम लोग डब्बा खोलन प्रक्रिया स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने इतने सारी चीज़ों में पैसा खर्च कर रखा है, एक नाइफ नहीं ले सका आज तक भाई, मतलब व्हाट्स द प्रॉब्लम विद मी। हेडफोन पहले लुक पे मेरे को कुछ नहीं दिख रहा बिकॉज आरजीबी होना चाहिए इसमें। तो हमारे पास है ये एक पावर बैंक, एंड पावर बैंक से हम लोग उसको पावर करने वाले बिकॉज मेरा पीसी बहुत दूर है। डोंट जज इट, मुझे पता है कि पावर बैंक से हम लोग हेडफोन को पावर नहीं कर सकते, बट द USB इज जस्ट फॉर LEDs, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं। तो अभी इसका आरजीबी चलने लगा है, एंड जो हेडफोन है देखने में यार काफी अच्छा लग रहा है, एज प्रॉब्ली ये बजट हेडफोन होगा। इसका क्वालिटी देख के मेरे को लग रहा है कि ये कॉस्मो जितना यहाँ पे हाई प्राइस नहीं होगा, लाइक 1800 रुपये नहीं होगा। डेफिनेटली इसका प्राइस 1000 रुपये से लेके 1200 रुपये होने वाला है, बिकॉज इसका बिल्ड क्वालिटी से मेरे को ऐसे लग रहा है। बाकी इट्स प्रॉब्ली ये बजट हेडसेट, इसका भी हम लोग एक रिव्यू लाने वाले चैनल में, और यहाँ पे आप हेडबैंड को एडजस्ट भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और एक बार देख लेते कि पहनने से कैसे लगता है। और ये इसका माइक्रोफोन है एक्चुअली, सो दिस इज द माइक्रोफोन। हेलो टैंगो चार्ली, कैन यू हियर मी? अल्फा कॉपी, बीटा कॉपी, गामा कॉपी, गाना कॉपी करने के लिए एक दबाए तेरे बिना। ओके, बहुत ज़्यादा हो गया। बट इसका जो ईयर पैड्स है वो काफ़ी बड़ा बड़ा है, तो डेफिनेटली मेरा जो ईयर है वो यहाँ पे सरफेस तक टच हो रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म यूज़ करने के बाद कैसा आता है, फील आता है, वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। बाकी इसका जो लुक है वो मेरे को एज अ बजट हेडसेट मेरे को सही लग रहा है, यहाँ पर देख सकते हो RGB थोड़ा बहुत, ठीक है। हेलो, क्या हाल चाल, और आप ऐसे भी रख सकते हो, बट दिस इज़ नॉट डिटैचेबल क्योंकि ऑब्वियसली बजट हेडफोन है, यू कैंट डिटैच इट। इतना बड़ा इनलाइन कंट्रोलर है, इसमें माइक ऑन ऑफ का बटन दिया है ऑब्वियसली। सो ये है इसका माइक्रोफोन ऑन ऑफ बटन, जिससे आप माइक्रोफोन को ऑन ऑफ कर सकते हो। और यहाँ पे इसका वॉल्यूम व्हील है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इस तरफ मतलब कम वॉल्यूम और इस तरफ मतलब ज़्यादा वॉल्यूम। बाकी इसको हम लोग बाद में आराम से टच करने वाले हैं। तो ये था रेड गियर का कॉस्मो स्पेक्ट्रा या फिर स्पेक्ट्रा, आप देख लेना ठीक है, जो भी होगा लिंक आपको एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको 4 पिन का 3.5mm जैक देखने को मिल जाता है, तो ये फोन के लिए एकदम परफेक्टली कंपैटिबल है, बट पीसी के लिए आपको एक्सपेरियल यूज करना पड़ेगा अगर आपके पास एक कॉम्बो हेडफोन जैक का यहाँ पे पोर्ट नहीं है तो। अब डब्बे में ज्यादा कुछ बचा नहीं है गाइस, हमारा जो डब्बा है वो खाली होता जा रहा है, ठीक है। लास्ट जो सामान है वो क्या हो सकता है, 10 सेकंड स्किप मत करके बताना, डायरेक्ट आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताना कि लास्ट प्रोडक्ट क्या हो सकता है, गेस कर लिया। सो दिस इज द ग्रिम V2, एंड ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट है आज के इस लिस्ट का। तो इसमें आपको रेनबो बैकलाइट मिल जाता है, 3 LED modes देखने को मिल जाता है, विंडोज लॉक का बटन देखने को मिल जाता है, एंड डबल इंजेक्शन, ठीक है। मेरे को लग रहा है ये मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं, ये एक्चुअली में एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, बिकॉज एंटी गोस्टिंग 19 keys, डेफिनेटली मेम्ब्रेन कीबोर्ड। बट लेट्स सी, अगर मैं आपको ये वाला कीबोर्ड को इस तरीके से दिखाऊं कि आप बता पाओगे कि ये वाला जो कीबोर्ड है वो मेम्ब्रेन है या फिर मैकेनिकल है। एक्चुअली में ये एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है बट मैकेनिकल स्टाइल में, यहाँ पर देख सकते हो जो कीज है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर है, तो दिखने में यार मैकेनिकल है बट एक्चुअली ये एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। एक बार टाइपिंग वगैरह करके देख लेते हैं, अच्छा खासा यहाँ पे बम्प है जो थोड़ा बहुत टैक्टाइल फील है, मेम्ब्रेन की बोर्ड से काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। बाकी इसका जो फॉन्ट है यहाँ आप देख सकते हो, वैसे देख नहीं सकते हो, एक बार इसको भी हम लोग पावर बैंक से कनेक्ट कर लेते हैं बिकॉज मेरा पीसी काफ़ी दूर है, अगेन गाइज आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड हमारा जो कीबोर्ड है गाइज वो यहाँ पे टर्न ऑन हो चुका है, बट मुझे नहीं पता है कि इसको यहाँ पे इसका लाइट्स कैसे चेंज करते हैं। बाकी देखने में यार काफ़ी सही लग रहा है, एंड ये जो ओ माई गॉड कीबोर्ड का जो यहाँ पे टॉप सर्फेस है वहाँ पे एक पतला सा एल्यूमिनियम शीट यूज़ कर रखा है, दैट इज रियली नाइस एज अ मेम्ब्रेन कीबोर्ड। बहुत कम ब्रांड्स ऐसा करते हैं कि जो एकदम बजट वाले मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स हैं वहाँ पे भी थोड़ा बहुत क्वालिटी यहाँ पे मेंटेन करते हैं। रेड गियर इज वन ऑफ देम, रेड गियर का हमने यहाँ पे
एक कॉम्बो आता था शैडो ब्लेड करके, शैडो ब्लेड नहीं सॉरी क्या तो था उसका नाम, रेड गियर का बहुत पॉपुलर वो एक कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो था, तो वो आता था उसमें भी हमने देखा था काफ़ी अच्छा, वो लोग जो है ना जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करते हैं। तो ग्रिम V2 का जो टॉप सरफेस है वो यहाँ मेटालिक है यानी कि एल्यूमिनियम से बना हुआ है पतला सा, बट स्टिल इट्स अ सॉलिड कीबोर्ड। आई थिंक ये जो यहाँ पे नम लॉक कैप्स लॉक एंड सॉरी स्क्रॉल लॉक का जो यहाँ पे इंडिकेटर्स है वो काफ़ी अच्छा दिखने वाला है डार्क में, बिकॉज देख सकते हो इसका जो यहाँ पे लोगोज है ना भाई बहुत कमाल के लग रहे हैं मेरे को, ठीक है। लोगोज आर वेरी नाइस एंड वाइट कलर में है, सो दैट इज रियली नाइस। अगर आपके पास बजट नहीं है एंड मेम्ब्रेन कीबोर्ड ढूंढ रहे हो तो एक बार ग्रिम V2 को चेक करना, हालांकि हमने अभी तक इसको यहाँ पे रिव्यू नहीं करा है, बट स्टिल मुझे लग रहा है लुक्स वाइज एंड बिल्ड क्वालिटी वाइज भाई बहुत बढ़िया कीबोर्ड लग रहा है। और पीछे की तरफ आपको ऐसे ही रेड गियर ग्रिम V2 लिखा हुआ है, V1 का पता नहीं है। यहाँ पे आपको एलिवेटेड लीवर्स भी देखने को मिल जाता है, इससे आप जो है कीबोर्ड का हाइट को बढ़ा सकते हो एंड दिस इज़ वेरी टैक्टाइल एज अ बजट कीबोर्ड मेरे को यार काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे आपको शायद 3 मोड्स भी देखने को मिल जाता है, एक बार उसको भी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। सो ये एक मोड है, ये 2 मोड है, ये वाला मेरे को सही लग रहा है। एक्चुअली दीज LEDs आर RGB बट उसमें से भी आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हो, दिस इज़ टोटली ऑफ, सो इसको आप चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो। मेरे को यार ये वाला कलर पैटर्न काफ़ी सही लग रहा है, बहुत ज़्यादा सही लग रहा है एज अ नॉर्मल कीबोर्ड। सो थैंक यू रेड गियर मेरे को यार इतना मस्त मस्त चीज़ भेजने के लिए, डेफिनेटली यार मैं इनको चेकआउट करने वाला हूँ। सो दैट्स इट गाइज, हमारा डब्बा जो है टोटली खाली हो चुका है एंड लेट्स सी मैं इस वुडन डब्बे का क्या करता हूँ। प्रॉब्लम मैं इसमें अपना कपड़ा या फिर कच्चा वच्चा रखने वाला हूँ, अलग बात है, ठीक है। होपफुली आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस तरीके का और भी मिस्ट्री पैकेज अनबॉक्सिंग देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में घंटा वाला बटन दबा देना ताकि आपको इस तरीके का वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एंड रेड गियर यार वंस अगेन थैंक यू, एंड मैं आप लोगों से एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए यार बाय बाय।